पिछले दिनों अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित कर मौलानाओं के निशाने पर आई रूबे आसिफ खान ने अब फिर से 9 दिनों के लिए अपने घर में दुर्गा प्रतिमा स्थापित की है। आज वे अपने पति आसिफ खान के साथ दुर्गा प्रतिमा को बाजार से खरीद कर लाई और अपने घर में विधि विधान से स्थापित की। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके ऊपर हमले होते रहते हैं, फतवे जारी होते रहे हैं, लेकिन वे किसी से नहीं डरती और वे अपना काम करती रहेंगी। मैं फतवे देने वालों को कहूंगी कि हिंदुस्तान है, संभल जाएं, वरना आगे बहुत नुकसान होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान ने पिछले दिनों गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित की थी। उसके बाद उनके खिलाफ मौलानाओं ने फतवा भी जारी किए, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उन्होंने 7 दिनों तक गणेश प्रतिमा को अपने घर पर रखा। विसर्जन भी विधि विधान से नरोरा जाकर किया। अब नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तब रूबी आसिफ खान एक बार फिर से दोनों धर्मों में आस्था दिखाते हुए दुर्गा प्रतिमा को बाजार से लाई और अपने पति के साथ विधि विधान से स्थापित किया। अब वह 9 दिनों तक व्रत रखेंगी, उसकी पूजा करेंगी और उसके बाद ही माता का विसर्जन करेंगी। मीडिया से बात करते हुए रूबी ने कहा कि आज मैंने दुर्गा माता रानी की मूर्ति की स्थापना 9 दिनों के लिए की है और मेरे मन से शुरू ही आस्था है। मैं सभी तरह के त्योहार मनाती आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कोई भेदभाव ना रहे किसी के भी बीच, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। माता रानी से प्रार्थना है कि इस देश में चैन सुकून अमन शांति हर तरीके से रहे, सारे भेदभाव खत्म हो जाए। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि भेदभाव खत्म हो, ऐसे मुल्ला मौलवी जो पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं उनको भगवान समझ दे। माता रानी से यही मांग है कि उनके दिमाग में बैठा दे कि माता रानी हम सब एक हैं और हमें सारे त्योहारों को मनाना चाहिए, ईद व दीपावली सब मिलकर मनाए, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। रूबी ने आगे कहा कि मेरे ऊपर कई हमले होते रहे हैं, अब मैं हमलों से और धमकियों से नहीं डरूंगी, मैं अपना काम करती रहूंगी। मेरा ट्विटर अकाउंट भी फर्जी बना दिया गया है, वे कौन लोग हैं मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत जिहादी लोग हैं जो गलत सोच रखते हैं, जो अपने मन में गलत सोच रखते हैं वही ऐसा काम कर रहे हैं। मैंने शिकायत भी की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी लापरवाही रही तो आगे कुछ ना कुछ कह सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। जो फतवा जारी करते हैं मैं उनको कहना चाहूंगी कि वे संभल जाएं, अभी भी वक्त है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ही रहें। आज मैंने दुर्गा माता रानी की मूर्ति की स्थापना की है 9 दिनों के लिए और मेरे मन में बहुत मतलब मन से शुरू से ही आस्था है पूजा अर्चना की। मैं सभी तरह के त्यौहार मनाती आई हूँ और मुझे अच्छा लगता है, कोई भेदभाव ना रहे किसी के भी बीच, हिंदू मुस्लिम सब एक से रहें। मैंने माता रानी से यही प्रार्थना की है कि इस देश में चैन सुकून अमन शांति इसी तरह रहे, सारे भेदभाव ख़त्म हो जाएं। और मैं ऊपर वाले से अल्लाह ताला से भी यही दुआ करूंगी कि भेदभाव ख़त्म हो जाए और ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जो पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं वो उनके समझ दे, ऊपर वाला उनको अकल दे। माता रानी से यही कृपा है कि उनके दिमाग में ये बिठा रहे माता रानी कि हम सब एक हैं और हमें सारे त्योहारों को मानना चाहिए, ईद दीपावली सब मिल मिलकर मनाएं और किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। और मैं 9 दिन के लिए मैंने माता रानी की मूर्ति की स्थापना की और 9 दिन पूरे व्रत भी रखूंगी, जैसे रमज़ान रखती हूँ इसी तरह के व्रत भी रखूंगी पूरे आस्था के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ। इस मामले पर भाजपा नेताओं ने भी रूबी का समर्थन किया और कहा कि देखिए नवरात्र चल रहे हैं, पूरा देश धूमधाम से मां भगवती की पूजा अर्चना विधि विधान से कर रहा है। अगर रूबी आसिफ खान ने घर में विधि विधान से मां भगवती की पूजा अर्चना की है तो क्या गलत है, देश में एकता और भाईचारे का भी संदेश दे रही है। मैं एक बात उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो धमकियां दे रहे हैं, सरकार मोदी योगी सरकार की है, ऐसे लोगों का पूरा पूरा इंतजाम है, खासतौर से महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणियां करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करते हैं। यहाँ सबका साथ सबका विकास है और अगर उन्होंने काम किया है तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। खैर अलीगढ़ से लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। फतवा तो जो लोग कमजोर हैं वो जारी करते हैं, उन्होंने कहा फतवा जारी करना। एक बधाई की पात्र हैं माँ भारती की लाडली रूबी आसिफ खान जी, जो कि अपने पूर्वजों को दिए गए संस्कारों पर चलते हुए माँ देवी का अनुष्ठान कर रही हैं वो और नवदुर्गा में पूजन कर रही हैं। ये भारत देश है, भारत देश में सबको अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है और भारत में तो कोई मुस्लिम नाम का धर्म भी नहीं है, एक पंथ है मुस्लिम नाम का, धर्म तो हमारे सनातन धर्म है और सनातन धर्म में तो माँ देवी की पूजा करना बिल्कुल ठीक है।
आज सिंधी सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमि का पितृभूमि पूर्ण भूमि चा भूचित्र हिंदू रीति स्मृता। माँ भारती की लाडली रूबी आसिफ खान अगर अपने पूर्वजों को दिए संस्कार, जो गलत नहीं है, तो कुछ भी करना चाहिए और हर मुस्लिम को करना चाहिए। ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल दे रही है, इसलिए मैं बधाई देता हूँ। और मौलवी मौलाना का तो काम है फतवा देना। एक 6 वर्ष की बेटी के संग रेप हो जाता है किसी उसी मुस्लिम चाचा के संग, उन चाचा के द्वारा, फूफा के द्वारा, वहाँ किसी मौलाना द्वारा फतवा नहीं दिया जाता है। क्यों? उनके लिए वो जायज़ चाहिए। लेकिन एक बेटी जो कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए माँ देवी का अनुष्ठान कर रही है, उसके लिए फतवा जारी करती है, ये फतवा जारी करते हैं, ये एक गलत चीज़ है। मैं ऐसे मौलानाओं को संदेश देना चाहूँगा, देश को जोड़ने की बात करें ना कि तोड़ने की। और आप भी देख सकते हो कि पिछले दशकों से किसी मौलाना ने देश को जोड़ने की बात नहीं की है, उसने देश को तोड़ने की बात की, उसने तलवार चलाने की बात की, उसने कलम चलाने की बात नहीं की। ये कभी चाहते नहीं मुस्लिम धर्म का उत्थान हो, मुस्लिम समाज का उत्थान हो, ये चाहते नहीं मुस्लिम बेटियाँ पढ़ें। देखिए, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, पूरा देश धूमधाम से माँ भगवती की पूजा अर्चना करके विधि विधान पूजा करके नवरात्रों को मनाता है। भारतीय जनता पार्टी जयगंज मंडल की रूबी आसिफ खान मंडल की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर ऐसा किया है तो देश में एक एकता का संदेश दिया है, जो कि गलत नहीं है। आप देखिए, हमारे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी मदरसों में जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वो भी एकता का संदेश दे रहे हैं। अगर रूबी आसिफ खान ने अगर मान लीजिए घर में विधि विधान पूछ कर माँ भगवती की पूजा अर्चना की, तो इसमें क्या गलत है? ये तो देश में एकता का संदेश दे रही है, भाईचारा का संदेश दे रही है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको दो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द रेड जन न्यूज को जरूर देखें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।